मोदी जी अमेरिका आए जी हाँ, और मुझे भी एक अवसर मिला जहां पे मैंने टिकट देकर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना। वैसे तो भाषण कई सुने हैं रेडियो पे, यूट्यूब पे, और जब भी सुने हैं भारत के नेताओं के रोंगटे खड़े हो गए हैं, देशभक्ति कहिए या जो भी। लेकिन इस बार मोदी जी का भाषण सुनकर कुछ नहीं लगा, यही लगा कि पहला पैराग्राफ में उन्होंने इंडियन अमेरिकन्स को उठाया और दूसरे पैराग्राफ में खुद उठ गए, तीसरे में चंदा मांग लिया। खैर, ये एक चंदा मांगने का अभियान है, यही लगा मुझे। मैं मोदी जी के लिए टिकट लेकर अंदर आई थी और मेरे पतिदेव बाहर रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई लोगों ने पूछा भी कि भाई ऐसा क्यों। वहां पे मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इंडिविजुअलिटी को बिलीव करते हैं, अपने अपने ओपिनियन को बिलीव करते हैं। तो यही बात थी कि मैं अंदर थी और वो बाहर। आए अब मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने इतनी भरी सभा में, वो भी मोदी भक्त की सभा में, सवाल किया कि क्या मैंने कोई गलत काम किया। जवाब तो वही मिलेगा ना जो वो चाहते हैं। अरे उनसे जाके पूछे जो बाहर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी हाँ, वहां आपको सही जवाब मिलेगा। खैर, 16 महीने में उन्होंने क्या किया एक लिस्ट बता दी और इंडियन अमेरिकन्स तालियां बजा रहे हैं। अरे असल जनता तो भारतीय जनता है, उनसे पूछना चाहिए अमेरिकी निवासी क्या कहेंगे और इसके बारे में क्या अनुभव किया उन्होंने जो वो उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। और एक बात कहना चाहती हूं कि उन्होंने फेसबुक में जाकर अपनी माँ के बारे में कहा और रो पड़े। अफसोस, हर किसी को अपने माँ बाप की तकलीफ जब कहते हैं तो दुख होता है कि हमें पाल पोस के बड़ा करने में कितनी कठिनाइयां उन्हें उठानी पड़ी। उन माओं का क्या जिनके बच्चे जिंदा जला दिए गए, उन माओं का क्या जिन पे बलात्कार किए गए। मेरा मानना है अन्याय करने वाला पापी है, अन्याय को खड़े देख रहना भी पाप है। मोदी जी के हाथ खून से रंगे हो या न हो, इस अन्याय के भागीदारी वो भी रहे हैं। ऐसे में तो यही कहती हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कहा, सिंहासन खाली कीजिए जनता आती है।